अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू techtraders.pk। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्ट वॉच का रिव्यू लेकर आए हैं, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ही हाइप पे चल रही है। इस स्मार्ट वॉच का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा YouTube चैनल techtraders.pk आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे YouTube चैनल पर जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आसानी से देखने को मिल सकें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी स्मार्ट वॉच लेकर आए हैं, जिसने मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त हाइप क्रिएट की हुई है। इस स्मार्ट वॉच का नाम है HT22। इस स्मार्ट वॉच की एक खासियत ये है कि ये वॉच जैसे ही आप ऑन करते हैं, तो ऑन करते ही आपको एप्पल लोगो देखने को मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये वॉच सेम टू सेम एप्पल वॉच का रेप्लिका है। चलिए इस वॉच की अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो फ्रंट साइड पे हमें वॉच देखने को मिल जाता है, और बैक साइड पे हम चेक कर लेते हैं तो सीरीज 6 स्पेस एल्यूमिनियम केस 44 mm हमें लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे साइड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको खोलते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त से यहाँ पे प्रिंटिंग हुई हुई है। आप देख सकते हैं, इसमें आपको दो फर्दर बॉक्स देखने को मिल जाएंगे। इस बॉक्स में हमारी जो वॉच है वो आपको देखने को मिलेगी, और फर्दर इस बॉक्स में आपको स्ट्रैप्स जो हैं आपके वो देखने को मिल जाते हैं। हम इसको साइड पे कर लेते हैं। तो हम अब स्ट्रैप्स को खोल के चेक कर लेते हैं कि हमें कैसे स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं इसमें। तो हम जैसे ही खोलते हैं, यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगी कि आपने स्ट्रैप्स को कैसे अपनी वॉच के साथ कंबाइन करना है। तो स्ट्रैप्स को हम निकाल लेते हैं। स्ट्रैप्स हमारे पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, स्ट्रेचेबल स्ट्रैप्स बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाते हैं। ये आपके स्ट्रैप्स हो गए। अब हम इसका मेन बॉक्स जो है वो आपको खोल के दिखा देते हैं। तो जैसे ही हम ये बॉक्स खोलते हैं, तो हमें फ्रंट साइड पर यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर स्मार्ट वॉच लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूज़र मैनुअल हम निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको QR कोड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्ट्रैप्स का बताया जाता है कि आपको स्लाइड बैंड टू वॉच मस्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। उसके बाद ये सेकेंड आपको इंस्ट्रक्शन दी गया है, लॉन्ग प्रेस साइड बटन टू पावर ऑन, ये आपको बताया गया है कि आप पावर ऑन कैसे करेंगे। और यहाँ पर आपको एक QR कोड दिया गया है ऐप का, और बताया गया है कि आपको ये ऐप इंस्टॉल करनी होगी इस वॉच को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए। और ये वायरलेस चार्जिंग के बारे में आपको साइड पे आइकन दिखाया जा रहा है, और ये आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये है जी इसका चार्जर, या आप चार्जर हम साइड पे कर लेते हैं, आपको बाद में दिखाते भी हैं कि चार्जिंग इसकी कैसे होगी। तो हम अपने मेन वेरिएंट जो हमारी स्मार्ट वॉच है उसकी तरफ आ जाते हैं। हम इसको हटा के साइड पे कर लेते हैं, वॉच को जो है यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। तो वॉच को ऑन करते ही हमें एप्पल लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ हमें इस वॉच की देखने को मिल जाती है। ये वॉच इसी वजह से आजकल हाइप पे चल रही है, क्योंकि इसमें एप्पल लोगो आपको ऑन करते हुए भी शो होगा, और ये मैं आपको ऑफ़ करके दिखाता हूँ, तो ऑफ़ करते हुए भी एप्पल लोगो आपको शो होगा, ये आप देख सकते हैं। वॉच की लुक के बारे में बात कर लें, तो इसकी साइड्स आप देख सकते हैं, कर्व्ड साइड्स हमें देखने को मिल जाती हैं, बहुत ही शाइनी लुक प्रोवाइड करती है इसकी फ्रंट स्क्रीन। और आप इसकी साइड्स देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ ये वॉच हमें देखने को मिल जाती है। वॉच की जो बॉडी है वो मेटल बेस्ड है, और इसकी बैक साइड जो है वो सिरेमिक बेस्ड हमें देखने को मिल जाती है। इसकी बैक साइड पर हमें सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपका ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। और उसके बाद हम इसकी साइड्स की बात कर लें, तो साइड्स पे हमें क्राउन बटन देखने को मिल जाता है। क्राउन बटन इसका वर्किंग है, ये आप देख सकते हैं, इस क्राउन बटन को आप ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो ये आपकी जो मेन्यू है वो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाती है। फर्दर इसकी दूसरी साइड पे हम आपको दिखाते चलें, तो इसकी दूसरी साइड पे आपको स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाएंगे। तो अब इस वॉच को हम अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आपको चेक करवाते हैं, और आपको बताते हैं कि आपको कौन सी ऐप की ज़रूरत है इस वॉच के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को। तो आपको WWFit के नाम से जो ऐप है वो इंस्टॉल करनी है, प्ले स्टोर पर आपको ईजीली मिल जाएगी।
तो यहाँ पे हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुकी है। इस ऐप को आप ओपन करेंगे, ऐसा होता है कि आपकी जो ऐप है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती। वो इसीलिए नहीं कर रही होती कि आप इस ऐप की जो ऐप को जो परमिशंस हैं वो नहीं देते। तो वो परमिशंस आपने लाजमी देनी है यहाँ से, ठीक है। जितनी भी परमिशन ये ऐप मांगेगा उतनी आपने इसको परमिशन ज़रूर देनी है ताकि ये ऐप प्रॉपरली वर्क करे। यहाँ पर आपने यहाँ पर इनेबल कर देना है, फनवेयर को अलाउ कर देना है, फिर आप बैक जाएंगे तो यहाँ पर आपने सारी परमिशंस इस ऐप को दे दी हैं, तो अब ये ऐप प्रॉपरली वर्क करेगी। अब हम इस वॉच को बाइंड करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की ऐप के साथ। यहाँ से हम बाइंड डिवाइस करेंगे, अलाउ करेंगे और सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ST22 यहाँ पर हमें शो हो चुकी है और यहाँ पर ये कनेक्ट भी हो चुकी है। अब हम दूसरा काम ये करेंगे कि ब्लूटूथ ओपन करेंगे और इसको कनेक्ट कर लेंगे, पेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये पेयर हो चुकी है और ये हमारी वॉच जो है कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ से अलाउ भी करेंगे आप, तो अब जो हमारी वॉच है वो कनेक्ट हो चुकी है फ़ोन के साथ, ठीक है। फ़ोन की ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट हो चुकी है, फ़ोन की जो ऐप है इस वॉच की जो ऐप है WW Fit के नाम से उसके साथ भी कनेक्ट हो चुकी है। तो अब हम इस ऐप के बारे में आपको बताते हैं। तो ऐप में आप अपने स्टेप्स को मेजर कर सकते हैं, उसके बाद अपने स्लीप को यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, हार्ट रेट को भी यहाँ से मेजर कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर यहाँ से मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी वॉच को, बॉडी टेम्परेचर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपनी वॉच के थ्रू, यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे ऐप से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज पुश देखने को मिल जाएगा, इसमें आप अपने जो मैसेजेस हैं उनकी नोटिफिकेशंस इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। रिकमेंडेड रिमाइंडर आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें आप अपने रिमाइंडर्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं, अलार्म सेटिंग्स है अलार्म लगा सकते हैं, और हार्ट रेट डिटेक्शन है वो आप यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं, और फाइंड योर डिवाइस फाइंड योर ब्रेसलेट जो है वो आप यहाँ से अपनी वॉच को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायल पुश आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आप अपने जो वॉच फेसेस हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी वॉच फेस आपको यहाँ पर लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसी तरह आप कस्टम वॉच फेस भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से कस्टम डायल में जाकर आप यहाँ पर सेलेक्ट बैकग्राउंड करेंगे और एल्बम से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, और इधर आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा। डायल टाइप आप यहाँ पर क्लॉक भी रख सकते हैं और यहाँ पर आप नंबर में भी रख सकते हैं, मैं क्लॉक में रखूँगा, यहाँ से मैं सेंड करूँगा और ओके, और ये भी सिंक्रोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कस्टमाइज्ड वॉच फेस भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो फर्दर हम इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो आपको कंबाइन करके चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो स्ट्रैप्स हैं वो कंबाइन हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड कर रहे हैं इसके स्ट्रैप्स। और इसके बाद हम इसकी जो मेन्यू है वो आपको दिखाते चलेंगे, इसके साइड को स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक मेन्यू देखने को मिलेगी, यहाँ पर मैसेजेस चेक कर सकते हैं, QR कोड भी आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और टुडे डाटा आपका मतलब कि आपने जो स्टेप्स हैं आपके, और किलोमीटर में भी आपको ये दिखाएगा और KCAL में भी, और ये आपको BPM ब्लड प्रेशर जो है वो भी आपको दिखाएगा। उसके बाद हम इसकी जो मेन्यू है वो आपको दिखाते चलें, तो ये क्राउन बटन के साथ ये मेन्यू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होती है। और उसके बाद हम इसकी सेटिंग्स में चलते हैं, सेटिंग्स में जाते ही हमें ब्लूटूथ सेटिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद क्लॉक देखने को मिल जाता है, साउंड वॉल्यूम डिस्प्ले इंटरनेशनल में आपको इसकी जो लैंग्वेज है वो आप चेंज कर सकते हैं, नेम डिस्प्ले यहाँ से आप लास्ट नेम फर्स्ट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम फर्स्ट कर सकते हैं नेम डिस्प्ले को, और मोशन आपको देखने को मिल जाता है वेकअप जेस्चर्स में, ठीक है। और इसके बाद ऐप्स हैं जो वो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और अनलॉक करने के लिए आपको पासवर्ड भी यहाँ पर लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
ये भी इस वॉच में बहुत ही ज़बरदस्त फीचर हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे, 9 ऐप्स का स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको कुछ ऐसा स्टाइल देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एक और स्टाइल हम चेक करवा देते हैं जो कि है एन्यूलर स्टाइल। ये आप देख सकते हैं, ये एक और स्टाइल हमें देखने को इसमें मिल जाता है। बहुत ही लो प्राइस में आपको ये वॉच जो है वो एप्पल लोगो के साथ देखने को मिल जाती है। कोई भी इस वॉच को आपने अगर पहना हो तो कोई भी देखेगा तो पहचान नहीं सकेगा ये ओरिजिनल है या उसका रेप्लिका आपने पहना हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वॉच हमें देखने को मिल जाती है। लुक वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके स्ट्रैप्स भी अच्छी क्वालिटी के हैं। वॉच मेटल बेस्ड आपको देखने को मिल जाती है, क्राउन बटन वर्किंग है और बैक साइड इसकी सिरेमिक बेस्ड आपको देखने को मिल जाती है। आई होप आपको हमारा आज का रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी देखकर कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगले एक और ज़बरदस्त रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।